तो हमारा पहला लफ्ज है कीप इन टच। अब कीप इन टच का मकसद होता है रابطے में रहना। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्लीज आप इसको लिख सकते हैं, प्लीज कीप इन टच विद मी, प्लीज कीप इन टच विद मी व्हेन यू लीव फॉर कराची। जब आप कराची जाएं तो मेरे रابطے में रहना, मेरे से रابطے में रहना। तो कीप इन टच माना रابطے में रहना। अब कीप इन माइंड माना दिमाग में रखना, व्हाट एवर आई टीच कीप इन माइंड। कीप इन माइंड माना याद में रखना, दिमाग में रखना। कीप इन माइंड यू विल हैव टू बाय अ बुक फॉर मी, ये चीज ध्यान में रखना कि आपको मेरे लिए किताब खरीदनी है। तो कीप इन माइंड। फिर है कीप अ प्रॉमिस माना वादा निभाना, वादा करना किसी के साथ। माय फ्रेंड्स ऑफ्टन कीप अ प्रॉमिस, माय फ्रेंड अली ऑलवेज कीप्स अ प्रॉमिस, माना वो वादा निभाता है। उसके बाद है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट तो आपने सुना होगा, नॉर्मल इस्तेमाल होता है। प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग माय टॉक, जब मैं बात करूं तो उस वक्त खामोश रहे। इसी तरह कीप काम, कीप काम भी खामोश होना है। तो इसकी सेम माना है, इसमें इतना ऐसा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है आपका कीप फोकस्ड, किसी चीज पे कंसंट्रेट करना, किसी चीज को अटेंशन से देखना। ऑलवेज कीप फोकस्ड व्हेन अ टीचर टीचेस, जब टीचर पढ़ाता है तो फोकस रहे माना उन पे अटेंशन दे, अपनी अटेंशन देना। कीप अ सीक्रेट माना चीज किसी की सीक्रेट रखना, कीप अ सीक्रेट। मेनी पीपल डू नॉट कीप अ सीक्रेट ऑफ समथिंग शेयर, तो इसलिए प्लीज डू नॉट शेयर एवरीथिंग विद द पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट कीप अ सीक्रेट, मतलब उस चीज को छुपा के नहीं रखते, हर किसी को बताते। कीप समथिंग सेफ। अब कीप समथिंग सेफ माना कुछ अगले दिन के लिए, कुछ वीक के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, किस टाइम के लिए किस चीज को बचा कर रखना। आई ऑलवेज कीप माय बुक्स सेफ, मतलब किसी खतरे से, किसी डेंजर से किसी चीज को बचा कर रखने को आप कह सकते हैं कीप समथिंग सेफ। कीप डिस्टेंस माना दूर रखना। आई कीप मेनी बेड पीपल एट डिस्टेंस, दूर रखता हूं। या कीप डिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं, कीप डिस्टेंस ना दूर रखें किसी को। तो इसी तरह कीप डिस्टेंस या कीप अवे। आई हैव केप्ट अवे द बैड पीपल आउट ऑफ माय कंपनी, मैंने जो खराब लोग हैं अपनी कंपनी से दूर रखे हैं। आई हैव केप्ट अवे बैड फ्रेंड। कीप अप टू डेट माना ड्रेसिंग या कोई भी पर्सनैलिटी को अच्छा करके रखने को अपडेटेड आप कह सकते हैं। माय फ्रेंड always keeps himself updated, up to date, ठीक है, keep up to date, मेरा दोस्त हमेशा खुद को up to date रखता है, माना संवार के रखता है और अपने आप को खूबसूरत करके रखता है, ड्रेसिंग का ख्याल करता है, चीजें keep up date। उसके बाद है keep informed, माना हर चीज की मालूमात रखना। I keep myself informed about every info, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है हर चीज के बारे में मैं अपने आप को
वेल इन्फॉर्म रखता हूँ, मतलब मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है। तो दीज आर द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को याद रखें, दिमाग में रखें, इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीप इन टच, कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, कीप इन टच कॉन्टेक्ट में रखना, कीप अ प्रॉमिस वादा निभाना, कीप क्वाइट खामोश, कीप काम भी खामोश कह सकते हैं, कीप फोकस मन अटेंशन देना, कीप अ सीक्रेट मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, कोई भी चीज़ अगर आपसे शेयर करता है तो यू मस्ट कीप इट सीक्रेट। कीप डिस्टेंस दूर रखना, आई कीप बैड पीपल डिस्टेंस, आई ऑलवेज कीप डिस्टेंस आउट ऑफ द बैड पीपल। कीप अवे भी दूर रखना, इसकी माना भी सेम है। तो सेकेंड फॉर्म में इसको आप कैप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप अपडेटेड माना खुद को अपडेट करके रखना, उसके बाद है कीप इनफॉर्म्ड माना आपके आपको पता होना चाहिए कि डे टू डे में क्या हो रहा है। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ और उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।